नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो हमारी नोब है ये दोस्तों बिल्कुल जाम हो चुकी है, तो इसको हम कैसे हम सॉर्ट आउट करें, क्योंकि इससे में पानी जो कंट्रोल होता है इस नोब से, इसे पानी का वॉल्यूम कम और ज़्यादा होता है, पानी की स्पीड कम ज़्यादा होती है, तो ये काफ़ी जो है टाइट हो चुका है, बिल्कुल हिल नहीं रहा, बिल्कुल जाम हो चुका है ये, तो इसको हम कैसे सही करेंगे। तो दोस्तों पहले हम इसको प्लास के साथ घुमाकर चेक करेंगे, काफ़ी ये टाइट है, बिल्कुल जाम हो चुका है, तो इसको कैसे हम सॉर्ट आउट करें। सबसे पहले दोस्तों आपने ये देखिए, इसको इस पे दो स्क्रू लगे हुए हैं, इन दोनों स्क्रू को हम खोल देंगे। यहाँ पे दोस्तों इसका लॉक बना होता है, यहाँ पे स्लॉट है, तो यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएगा ये, तो इसको हम पहले बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के दोस्तों सिंपली आपको इसको पकड़ कर खींचना है, काफ़ी ये टाइट होगा। घुमाते जाएं और बाहर निकालते जाएं, तो ऐसे दोस्तों ये बाहर निकल गया यहाँ से। तो सिंपली हमने इसको क्या करना है, इसको साफ़ करके, इसको हम साफ़ करेंगे अच्छे से, उसके बाद इस पर हल्की हल्की ग्रीस लगा देंगे, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको साफ़ कर लेंगे कपड़े की मदद से। इसको भी साफ़ कर लेंगे, उसके बाद इस पर हम थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे, बहुत हल्की सी ग्रीस लगानी है अपने, वो थोड़ी सी, इससे ये जो हमारा बिल्कुल ही लूज़ हो जाएगा। इसको ग्रीस लगाने के बाद थोड़ा सा प्लास से घुमाते रहें, तो ये बिल्कुल ही आराम से लूज़ हो गई है बहुत ज़्यादा। इसके बाद दोस्तों इसको आपने लगाकर टाइट कर देना है बस, बिल्कुल ये ओके हो जाएगा। और कोशिश करें इस पर टेफलॉन टेप जो होती है पहले लगा दें, क्योंकि इस यहाँ से जो रबड़ होती है ये भी लूज़ हो जाती है। अगर आप पहले ही ऐसे लगा के चेक करना चाहते हो तो ऐसे लगा के चेक कर सकते हो, अगर यहाँ से बूंद तो टपके पानी की तो यहाँ पर टेफलॉन टेप लगा दें, नहीं तो पहले ही लगा दें ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। तो हम इस पर पहले ही टेफलॉन टेप लगा रहे हैं थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी टाइम पुरानी ये रबड़ है, तो लीकेज का जो चांस जो होते हैं इसके वो हमें ना रहे हैं। 5-6 गेड़े इस पर चढ़ा दें बस, उसके बाद इसको हम टाइट कर देंगे। दोनों साइड के नटों को अच्छे से टाइट कर देंगे। अब ये हमारा यहाँ से लीक भी नहीं होगा और ये अच्छे से लूज भी हो चुका है। तो नोब की मदद से हम इसको घुमाकर चेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही लूज़ हो चुका है। तो वैसे आप अपने घर के गीजर की दोस्तों अगर ये नोब है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, तो ऐसे आप सेट कर सकते हैं और टेफलॉन टेप जरूर लगाएं ताकि कोई भी लीकेज वगैरह ना हो। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी ऐसी और सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके अलावा भी दोस्तों हमने बहुत सारी वीडियोज़ बना दी हैं ऑलरेडी, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये दोस्तों बिल्कुल फ्री है, और इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप हमारे परमानेंट मेंबर बनना चाहते हो और व्हाट्सएप पे हमारे साथ बात करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसका खर्चा ओनली 29 रुपये पर मंथ है, जिसमें दोस्तों आपको स्पेशल वीडियोज़ और स्पेशल पोस्ट भी मिलेंगे जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। Thanks for watching.